तर विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रोफेसर एन बी चाटे आपले सहर्ष स्वागत करतो आजच्या या मेजरमेंटच्या आपल्या नवीन लेक्चरमध्ये. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, आपण लास्ट लेक्चरमध्ये ॲमीटर आणि व्होल्टमीटरच्या रेंज कशा एक्सटेंड करतो हे दोन पॉईंट्स पाहिले. त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ॲमीटर आणि व्होल्टमीटरच्या रेंज आपण एकतर शंट आणि मल्टिप्लायर यूज करून एक्सटेंड करू शकतो, किंवा दुसरं आहे ॲमीटर आणि व्होल्टमीटरच्या रेंज आपण इन्स्ट्रुमेंट ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे सीटी आणि पीटी यूज करून एक्सटेंड करू शकतो. ठीक आहे, हे असे दोन पॉइंट्स आपण ऑलरेडी मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलेले. ठीक आहे, नंतर आपण हे तुम्हाला एकदा परत एकदा दाखवतो मी, रेंज एक्सटेन्शन ऑफ डीसी व्होल्टमीटर बाय युझिंग दिस मल्टीप्लायर अँड दिस इज द रेंज एक्सटेन्शन ऑफ डीसी अॅमीटर बाय युझिंग शंट. याचे काही दोन फॉर्म्युले आपण डिराईव्ह केलेले, त्याच्यावरचे काही एक्झाम्पल्स आपण चॅप्टर संपल्यानंतर सॉल्व्ह करणार आहेत. ठीक आहे, नंतर आपण कम्पॅरिझन पाहिलं सीटी आणि पीटीचं, हे दोनों में कम्पॅरिझन देखा आहे. ठीक आहे, बाद में हमने देखा एक्सटेन्शन ऑफ अॅमीटर अँड व्होल्टमीटर युझिंग इन्स्ट्रुमेंट ट्रान्सफॉर्मर. तर इन्स्ट्रुमेंट ट्रान्सफॉर्मर यूज करके हम अॅमीटर अँड व्होल्टमीटर का रेंज एक्सटेंड कर सकते हैं. उसमें हमने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स देखे, एक होता है सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर. तो ये इसके कुछ डायग्राम थे और यहाँ पे दो फॉर्मूले आपको छोटे छोटे दिए थे मैंने. ठीक है, यह है आपका एक्सटेंशन ऑफ वोल्टमीटर बाय यूजिंग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसका भी ये दो फॉर्मूले हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं. बाद में हमने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के एडवांटेजेस देखे एंड प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग सीटी. सीटी यूज करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं एग्जाम में कि नेवर ओपन सर्किट द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द सीटी व्हाइल इट्स प्राइमरी कैरीज द करंट. ऐसा व्हाई, ऐसा क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में पूछा जाता है. इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था. ठीक है, now in today's lecture we are going to discuss about the calibration of dc ammeter by using dc potentiometer. theek hai, calibration of dc ammeter by using dc potentiometer. hame dc ammeter ka calibration karna hai dc potentiometer use karke. theek hai, now what is mean by calibration, already humne calibration ka definition dekha hai. theek hai, to क्या है कैलिब्रेशन का डेफिनेशन ऑलरेडी देखा है हमने, याद बताया था मैंने डेफिनेशन कैलिब्रेशन का. ठीक है, कोई बता सकता है कैलिब्रेशन? ठीक है, कैलिब्रेशन इज दी, हाउ विल डिफाइन कैलिब्रेशन? फाइंडिंग आउट दी एरर इन दी इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड एज कैलिब्रेशन सिंपली. ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमने देखा है कैलिब्रेशन का. तो हमें अभी डीसी एमिटर एंड डीसी वोल्टमीटर का कैलिब्रेशन करना है बाय यूजिंग डीसी पोटेंशियोमीटर. ठीक है, तो कैसे करेंगे इसकी प्रोसीजर है. ठीक है, वो प्रोसीजर यहाँ पे आपको दी है. ठीक है, तो क्या है प्रोसीजर यहाँ पे, देखो क्या क्या पॉइंट दिए हैं. ठीक है, पहला पॉइंट दिया है, इन दिस मेथड द डीसी पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस अ स्टैंडर्ड लो रेजिस्टेंस. ये मेथड में हमें एक डीसी पोटेंशियोमीटर यूज करना है. इसके लिए यूज करना है मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस अ स्टैंडर्ड लो रेजिस्टेंस. एक स्टैंडर्ड लो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज का मेजरमेंट करना है उसके लिए हमें यहाँ पे डीसी पोटेंशियोमीटर यूज करना है. ठीक है, डायग्राम मध्ये तुम्हाला एकदा मी दाखवून देतो कॅलिब्रेशनची डायग्राम कशी आहे. ठीक आहे, ही कॅलिब्रेशनची डायग्राम आहे डीसी अॅमीटरच्या. ठीक आहे, इथे एक स्टॅबिलाइज डीसी सोर्स यूज केला आहे आपण. डीसी म्हटलं की त्यामध्ये एक पॉझिटिव्ह पोलॅरिटी आली आणि दुसरी निगेटिव्ह पोलॅरिटी आली. ठीक आहे, हा आपला एक रेजिस्टन्स आहे. ठीक आहे, दॅट इज डिनोटेड बाय आर जी, तो आहे आपला रेग्युलेटिंग रेजिस्टन्स. आर जी आहे आपला रेग्युलेटिंग रेजिस्टन्स. नंतर हे एक अॅमीटर इथं कनेक्ट केलेलं आहे आपण डीसीचं. या अॅमीटर मधून जो करंट फ्लो होईल दॅट इज डिनोटेड बाय आय. ठीक आहे, हे आहे आपलं पोटेन्शियोमीटर. पोटेन्शियोमीटर
अक्रॉसचं जे व्होल्टेज आहे दॅट इज डिनोटेड बाय व्ही एस, आणि हे जे आहे आपलं एस दॅट इज द रेजिस्टन्स ऑफ द पोटेन्शियोमीटर. एस इज द रेजिस्टन्स ऑफ द पोटेन्शियोमीटर. ही सिंपल डायग्राम आहे डीसी पोटेन्शियोमीटरची. ठीक आहे, नाव पहिल्या पॉइंट मध्ये काय सांगितलं आपल्या आपण की डीसी पोटेन्शियोमीटर युज करायचं आपल्याला तिथलं व्होल्टेज मेजर करण्यासाठी. कशाच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज मेजर करायचं? एका स्टँडर्ड लो रेजिस्टन्सच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज मेजर करायचं. ठीक आहे, नाव कनेक्ट दी सर्किट ॲज शोन इन दी फिगर. फिगर आता दाखवली मी तुम्हाला. द ॲमीटर टू बी कॅलिब्रेटेड इज कनेक्टेड इन सिरीज विथ द स्टँडर्ड रेजिस्टन्स. जे ॲमीटर आहे आपल्याला ज्याचं कॅलिब्रेशन करायचं आहे आपल्याला, ते आपल्याला सिरीज मध्ये कनेक्ट करायचं आहे तिथल्या स्टँडर्ड रेजिस्टन्स सोबत. अँड अ रेग्युलेटिंग रेजिस्टन्स. स्टँडर्ड रेजिस्टन्स आणि रेग्युलेटिंग रेजिस्टन्सच्या सिरीज मध्ये ज्या ॲमीटरचं कॅलिब्रेशन करायचं आहे आपल्याला, ते ॲमीटर सिरीज मध्ये कनेक्ट करायचं. ठीक आहे, डायग्राम परत दाखवतो मी. हिअर या ॲमीटरचं आपल्याला कॅलिब्रेशन करायचंय, आणि या ॲमीटरचं कॅलिब्रेशन करण्यासाठी आपण ते ॲमीटर काय केलंय, सिरीज मध्ये कनेक्ट केलंय. कशाच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट केलं आपण? तिथल्या रेग्युलेटिंग रेजिस्टन्सच्या. आणि रेग्युलेटिंग रेजिस्टन्स आहे आपला आरजी. ठीक आहे, रेग्युलेटिंग रेजिस्टन्स आहे आपला आरजी, आणि स्टँडर्ड रेजिस्टन्स आहे आपला एस. पोटेन्शियोमीटरचा जो रेजिस्टन्स आहे तो आपला स्टँडर्ड रेजिस्टन्स. क्लिअर आहे, हे ॲमीटर या दोघांच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेले आहे. क्लिअर, हा सेकंड पॉइंट आहे आपला. क्या करना है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे जो ॲमीटर का हमें कैलिब्रेशन करना है वो ॲमीटर आपको सीरीज में डालना है. वहां के रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस आरजी और स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के सीरीज में ये ॲमीटर डालना है. ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट दिया है, बाय वेरिंग आरजी यानी रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस आपको वेरी करके वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियोमीटर इज मेजर्ड. जो वोल्टेज रहेगा पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस का वो वोल्टेज मेजर करना है आपको. ठीक है, किसकी वैल्यू वैरी करके? आरजी यानी रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू वैरी करके आपको वोल्टेज जो है आपके पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस का उसको मेजर करना है. सो बिफोर मेजरमेंट पोटेंशियोमीटर इज रिक्वायर्ड टू बी स्टैंडर्डाइज. ये मेजरमेंट करने से पहले आपको पोटेंशियोमीटर को स्टैंडर्डाइज करना जरूरी होता है. ठीक है, समझ लो. रेग्युलेटिंग रेजिस्टन्स व्हॅरी करून आपल्याला तिथल्या पोटेन्शियोमीटरच्या अक्रॉस व्होल्टेज मेजर करायचं आहे, पण ते व्होल्टेज मेजर करण्या अगोदर आपल्याला पोटेन्शियोमीटरला स्टँडर्डाइज करणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, सो ऍट द सेम टाइम करंट थ्रू द ॲमीटर इज ऑल्सो मेजर्ड. त्याच वेळेला आपण जो ॲमीटर मधून जो करंट फ्लो होतोय तो आपण मेजर्ड करणार आहे, म्हणजे तो असेल आपला करंट आय. ठीक आहे, दॅट इज द रिडिंग ऑफ ॲमीटर अंडर कॅलिब्रेशन. म्हणून हा करंट आपण इथं आय नटे नोट केला. क्लिअर आहे, नाव नेक्स्ट पॉइंट दिलाय, द सब स्टँडर्ड ऑर कॅलिब्रेटेड मीटर अँड मीटर अंडर टेस्ट आर कनेक्टेड इन सिरीज. जे आपलं सब स्टँडर्ड मीटर असणार आहे किंवा जे कॅलिब्रेटेड मीटर असणार आहे आपलं आणि मीटर अंडर टेस्ट, हे दोन्ही आपल्याला सिरीज मध्ये कनेक्ट करायचं आहे. अँड रिडिंग आर नोटेड फॉर दी करस्पॉन्डिंग करंट्स. आणि तिथल्या करस्पॉन्डिंग करंट साठी आपल्याला रिडिंग नोट डाऊन करून घ्यायचं. ठीक है, जो सब स्टैंडर्ड मीटर है अपना या फिर कैलिब्रेटेड मीटर है और जो आपका मीटर अंडर टेस्ट है, वो उन दोनों को आपको सीरीज में कनेक्ट करना है और वहां के करस्पॉन्डिंग करंट्स के लिए आपको रीडिंग वहां पे नोट डाउन करके लेना है. ठीक है, सो एट ईच स्टेप द ट्रू वैल्यू ऑफ एमीटर इज कैलकुलेटेड एज. हर एक स्टेप के लिए आप ट्रू वैल्यू एमीटर की वहां पे कैलकुलेट कर सकते हो. इसका ये सिंपल फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई एस. वी एस इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस पोटेंशियोमीटर. ठीक है, एंड एस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर. ठीक है, सो एंड द करंट्स आर कंपेयर्ड फॉर फाइंडिंग आउट द एरर इन द एमीटर. वहां के करंट्स को आपको कंपेयर करना है, जो भी एमीटर में एरर हो रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, उसी को बोलते हैं कैलिब्रेशन. कैलिब्रेशन का डेफिनेशन ये है, फाइंडिंग आउट द एरर इन दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज द सिंपल कैलिब्रेशन ऑफ द डीसी एमीटर बाय यूजिंग डीसी पोटेंशियोमीटर. क्लियर है, नाउ लाइक दिस कैलिब्रेशन ऑफ डीसी एमीटर वी कैन ऑल्सो डू द कैलिब्रेशन ऑफ डीसी वोल्टमीटर सो बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर. तो ये इसके लिए डायग्राम है यहाँ पे. यहाँ पे भी हमें एक स्टेबिलाइज डीसी सप्लाई यूज करना है. ठीक है,
देन यहाँ पे एक पोटेंशियल डिवाइडर यूज किया है, ठीक है, और ये वोल्टमीटर टू बी कैलिब्रेटेड यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट किया है। ये आपका वोल्टेज रेशियो बॉक्स रहेगा, ठीक है, वोल्टेज रेशियो बॉक्स, और ये आपका पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, यहाँ पे आपका पोटेंशियोमीटर रहेगा, क्लियर है। सो इसमें ये पोटेंशियोमीटर में आपकी जो भी वैल्यू रहेगी वो 0 से आपकी 500 वोल्ट तक इसकी वैल्यू यहाँ पे रहेगी वोल्टेज रेशियो बॉक्स में, ठीक है, 0 से 500 वोल्ट तक आप यहाँ पे वैल्यू दिखा सकते हो उसके, ठीक है। सो अभी इसकी में क्या फर्स्ट पॉइंट दिया है, देखो, फॉर कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर यूजिंग डीसी पोटेंशियोमीटर, आपको जो वोल्टमीटर का कैलिब्रेशन करना है डीसी पोटेंशियोमीटर यूज करके, वोल्टेज रेशियो बॉक्स इज रिक्वायर्ड। उसके लिए आपको एक वोल्टेज रेशियो बॉक्स लगता है, यहाँ पे वो दिखा है, ये वोल्टेज रेशियो बॉक्स है आपका, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ 50 ओहम टू 100 किलो ओहम वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसमें आपके वो वोल्टेज रेशियो बॉक्स में 50 ओहम से 100 किलो ओहम तक वेरिएबल रेजिस्टर्स रहेंगे, ठीक है, कहां से कहां तक, 50 ओहम से 100 किलो ओम तक वेरिएबल रेजिस्टर्स रहेंगे, एंड द अरेंजमेंट स्टेप्स डाउन द इनपुट वोल्टेज, जो अरेंजमेंट है वो क्या करेगी, आपके इनपुट वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगी, सो दैट इट कैन बी सेफली मेजर्ड बाय डीसी पोटेंशियोमीटर। और वहां का इनपुट वोल्टेज अगर स्टेप डाउन किया तो डीसी पोटेंशियोमीटर से आप सेफली उसकी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, ठीक है, समझ ला। हा पहला पॉइंट है, कैलिब्रेशन जे करायचं आहे आपल्याला वोल्टमीटरचं युजिंग डीसी पोटेन्शियोमीटर ना, त्यासाठी आपल्याला एक वोल्टेज रेशियो बॉक्स ची गरज लागणार आहे, आणि त्या वोल्टेज रेशियो बॉक्स मध्ये विच कन्सिस्ट ऑफ 50 ओहम टू 100 किलो ओहम व्हेरिएबल रेजिस्टर्स, त्याच्यामध्ये त्या वोल्टेज रेशियो बॉक्स मध्ये 50 ओहम पासून 100 किलो ओहम तक व्हेरिएबल रेजिस्टर्स असणार आहे, आणि जी अरेंजमेंट आहे त्या अरेंजमेंटमुळे इनपुट वोल्टेज इथलं स्टेप डाऊन केलं जाणार आहे, आणि त्यामुळं आपल्याला डीसी पोटेन्शियोमीटर वरती इथली व्हॅल्यू जी आहे ती सेफली मेजर करता येणार आहे, ठीक आहे, हा पहिला पॉइंट दिलेला। सेकंड पॉइंट दिलेला, पोटेन्शियोमीटर इज स्टँडर्डाइज्ड बिफोर मेजरमेंट, इथं सुद्धा आपल्याला पोटेन्शियोमीटरला स्टँडर्डाइज करून घ्यायचंय मेजरमेंट करण्या अगोदर, ठीक आहे, यहां पे भी आपको पोटेंशियोमीटर का स्टैंडर्डाइज, पोटेंशियोमीटर को स्टैंडर्डाइज करके लेना है मेजरमेंट लेने से पहले, ठीक है। नाउ द सर्किट इज शोन, इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, सर्किट ऐसे कनेक्ट करना है आपको, ठीक है, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिवाइडर है और जो वोल्टमीटर का कैलिब्रेशन करना है वो यहाँ पे आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है उसको। सो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर इज सेट टू सर्टन वैल्यू, ये पोटेंशियल डिवाइडर जो इसका पॉइंट है, ये वेरिएबल कॉन्टेक्ट जो है, ये आपको वेरी करके आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग ऐसे सेट करनी है, एक सर्टन वैल्यू के ऊपर उसको सेट करना है, ठीक है। नाउ लेट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज द मेजर्ड वोल्टेज वीएम, जो रीडिंग रहेगी आपकी वोल्ट मीटर की वो आपका मेजर्ड वोल्टेज रहेगा, जिसको हमने यहाँ पे वीएम से डिनोट किया है, एंड द वोल्टेज मेजर्ड बाय द डीसी पोटेंशियोमीटर इज वीपी, जो डीसी पोटेंशियोमीटर ने जो वोल्टेज मेजर किया होगा वो उसको हमने यहाँ पे वीपी से डिनोट किया है, ठीक है। ये रीडिंग आहे वोल्टमीटर ची, जी रीडिंग आहे वोल्टमीटर ची, ते असणार आहे आपलं मेजर्ड वोल्टेज, ते आपण व्हीएम ने डिनोट केलंय, आणि जे वोल्टेज मेजर्ड होणार आहे डीसी पोटेन्शियोमीटर ना, त्याची व्हॅल्यू आपण व्हीपी ने डिनोट केलेली। सो द ट्रू व्हॅल्यू ऑफ द वोल्टेज व्हीटी इज फाउंड आउट बाय, ट्रू व्हॅल्यू जी आहे वोल्टेजची आपण व्हीटी ने डिनोट केली, ती आपल्याला फाइंड आउट करता येते, कशी फाइंड आउट करता येते, बाय मल्टीप्लाइंग द रीडिंग ऑफ पोटेन्शियोमीटर व्हीपी, पोटेन्शियोमीटरची जी रीडिंग आहे व्हीपी त्याला मल्टीप्लाय करायचे आपल्याला तिथल्या करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द वोल्टेज रेशियो बॉक्स ना, करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द वोल्टेज रेशियो बॉक्स ना तिथल्या पोटेन्शियोमीटरच्या रीडिंगला म्हणजेच व्हीपीला आपल्याला मल्टीप्लाय करायचे, आणि तिथला जे ट्रू व्हॅल्यू आहे व्होल्टेजची व्हीटी ती आपल्याला नंतर फाइंड आउट करता येणार, ठीक है। नाउ कैलक्युलेट द रिलेटिव एरर इन द वोल्टमीटर फॉर ईच रीडिंग, आपको वहां का रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है वोल्टमीटर का हर एक रीडिंग के लिए,
तो इसका फॉर्मूला रहेगा परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, हमने ये ऑलरेडी फॉर्मूला देखा है फर्स्ट चैप्टर में, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। तो वीएम माइनस वीटी, वीएम इज द मेजर्ड वैल्यू, वीटी इज द क्या है आपकी ट्रू वैल्यू है, डिवाइडेड बाय वीटी इनटू 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से आप वहां का रिलेटिव एरर वोल्टमीटर का निकाल सकते हो हर एक रीडिंग के लिए। एंड कैलिब्रेशन कर्व कैन बी ड्रॉन बाय प्लॉटिंग द परसेंटेज एरर अगेंस्ट द मेजर वोल्टेजेस। आप वहां का कैलिब्रेशन कर्व भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इसमें कर्व ड्रॉ करना है परसेंटेज एरर अगेंस्ट द मेजर वोल्टेज में, तो वो आपका कैलिब्रेशन कर्व रहे अलग अलग रीडिंग के लिए। ठीक है, तो ऐसे हम डीसी वोल्टमीटर एंड एमीटर का कैलिब्रेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग डीसी पोटेंशियल। ठीक है, इसमें कुछ डाउट ये दोनों पॉइंट में कुछ डाउट है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी द थर्ड टाइप ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इससे पहले मैंने दो टाइप्स आपको एक्सप्लेन किए हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के, एक होता है पीएमएमसी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दैट इज परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा टाइप का देखे थे हमने एमआई टाइप का इंस्ट्रूमेंट, दैट इज मूविंग आयन टाइप का इंस्ट्रूमेंट। अभी उसमें तीसरा जो टाइप है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, यह है आपका डायनामोमीटर टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और एक चौथा एक टाइप है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो हमें आपको चौथे चैप्टर में देखना है। ठीक है, तो अभी डायनामोमीटर टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है देखो। ठीक है, सो हियर द वर्किंग प्रिंसिपल इज सेम एज दैट ऑफ द पीएमएमसी टाइप मीटर। जैसे हमने पीएमएमसी टाइप मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल देखा था, वैसा सेम प्रिंसिपल इसका होता है डायनामोमीटर टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग परमानेंट मैग्नेट्स, वहां पे हमने परमानेंट मैग्नेट्स यूज किए थे, उसकी वजह से उसको नाम दिया है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो उसके बजाय यहाँ पे क्या यूज करना है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, यहाँ पे अ सेट ऑफ टू फिक्स्ड कॉइल्स यूज करना है, अ सेट ऑफ टू फिक्स्ड कॉइल्स यूज करना है दैट आर यूज टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे हम परमानेंट मैग्नेट्स यूज करके मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे थे, यहाँ पे हमें परमानेंट मैग्नेट्स यूज नहीं कर रहे हैं, उसके बजाय हमें यहाँ पे दो फिक्स्ड कॉइल्स यूज करके मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करना है यानी प्रोड्यूस करना है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है दोनों के वर्किंग प्रिंसिपल। तो द टू फिक्स्ड कॉइल्स एंड अ मूविंग कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज, दो फिक्स्ड कॉइल और जो मूविंग कॉइल है आपको उनको आपको सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा देता हूँ उसकी। तो यहाँ पे देखो, ये आपका डायनोमीटर टाइप का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे आपको फिक्स्ड कॉइल दिख रही है, ये एक फिक्स्ड कॉइल है F1 और ये दूसरी है F2। ठीक है, और ये आपकी मूविंग कॉइल है M, M से डिनोट किया है इसको मूविंग कॉइल को, और फिक्स्ड कॉइल को F से डिनोट किया है। ये आपका पॉइंटर रहेगा, ये आपकी कैलिब्रेटेड स्केल रहेगी। ठीक है, तो ये है आपका डायनोमीटर टाइप का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अभी सपोज एमीटर कंस्ट्रक्शन दिखाना है आपको, तो हम एमिटर का रेंज एक्सटेंड करने के लिए क्या करते हैं, शंट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे F1 F2 आपके फिक्स्ड कॉइल रहेंगे, हम आपका मूविंग कॉइल रहेगा, और उसके पैरेलल में हमने यहाँ पे शंट कनेक्ट किया है, और एक मल्टीप्लायर यूज करना है, उसको सीरीज में डालना है आपको वोल्ट मीटर के कंस्ट्रक्शन में। तो ये F1 F2 आपके फिक्स्ड कॉइल रहेंगे, M इज द आपका मूविंग कॉइल रहेगा, और ये आपका मल्टीप्लायर रहेगा, ये सीरीज में डालना है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर कंस्ट्रक्शन, ये सिंपल डायग्राम है डायनोमीटर टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के। क्लियर, सो टू फिक्स्ड कॉइल्स एंड अ मूविंग कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज, ज्या दोन फिक्स्ड कॉइल आहेत आणि एक मूविंग कॉइल आहे ते आपल्याला सीरीज मध्ये कनेक्ट करायचं। ठीक आहे, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू दीज कॉइल्स, जेव्हा करंट अप्लाय या कॉइल्स मधून फ्लो होणार आहे, देन इट मॉड्यूल्स मॅग्नेटिक फील्ड, तो काय करणार आहे तिथल्या मॅग्नेटिक फील्डला मॉड्यूल करणार आहे, and the situation is same as that of the PMMC type instrument, आणि situation same असणार आहे जशी PMMC type च्या instrument ची होती तशीच, म्हणजेच current earning moving coil, तिथं आपण current carrying conductor म्हटलं होतं। ठीक आहे, so current earning moving coil is placed in a magnetic field, जेव्हा current carrying conductor किंवा current earning moving coil एखाद्या magnetic field मध्ये place करतो आपण,
म्हणजे जिथं फिक्स्ड कॉईल मध्ये प्लेस केलेली आपण, त्यावेळेस त्याच्या त्या मूव्हिंग कॉईल वरती काय होतो, एक फोर्स एक्झर्ट होतो, किंवा तिथल्या कंडक्टर वरती फोर्स एक्झर्ट होतो अकॉर्डिंग टू फॅराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. हे सांगितलेलं मी ऑलरेडी तुम्हाला. ठीक, हेन्स फोर्स इज एक्झर्टेड ओव्हर दी मूव्हिंग कॉईल. यहाँ पे फोर्स एक्झर्ट हो रहा है आपकी मूव्हिंग कॉईल पे एंड इट गिव्स अ डिफ्लेक्शन, उसकी वजह से वहां पे डिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, क्या कर रहा है कि वेन आपके करंट जो है वो ये कॉइल में से फ्लो हो रहा है, ठीक है, तब वो मैग्नेटिक फील्ड को मॉड्यूल करेगा एंड द सिचुएशन आपकी सेम रहेगी जैसे पीएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट की होती थी, कि करंट अर्निंग मूविंग कॉइल यहाँ पे प्लेस की है मैग्नेटिक फील्ड में, यानी यहाँ पे दो फिक्स्ड कॉइल्स के बीच में आपकी मूविंग कॉइल को प्लेस किया है. ठीक है, तो हेंस फोर्स इज एक्सर्टेड ओवर द मूविंग कॉइल, उसकी वजह से यहाँ पे मूविंग कॉइल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होता है और उसकी वजह से वहां पे डिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में क्या पॉइंट्स है देखेंगे. टू एयर कोर्ड कॉइल्स F1 एंड F2 आर फिक्स्ड कॉइल्स ऑफ द मीटर्स. यहाँ पे दो एयर कोर्ड कॉइल्स लेने हैं F1 एंड F2, एंड दीज आर फिक्स्ड कॉइल्स ऑफ द मीटर्स, वो आपके मीटर्स के दो फिक्स्ड कॉइल रहेंगे. दीज टू कॉइल्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, ये दोनों कॉइल आपके F1 एंड F2 आइडेंटिकल होनी चाहिए एंड आर कंस्ट्रक्टेड विथ फ्यू नंबर ऑफ टर्न्स एंड थिक कंडक्टर. और उसको कंस्ट्रक्ट करने करते वक्त आपको उसके फ्यू नंबर ऑफ टर्न्स यूज करने हैं एंड थिक कंडक्टर यूज करना है उसको उसके कंस्ट्रक्शन के लिए. ठीक है, ज्या दोन्ही कॉइल घेतो आपण फिक्स्ड कॉइल F1 आणि F2, त्या दोन्ही आयडेंटिकल असायला पाहिजेत एकमेकांच्या, एक्झॅक्टली आयडेंटिकल असायला पाहिजेत, आणि कन्स्ट्रक्ट करते वेळेस आपल्याला त्याच्या फ्यू नंबर ऑफ टर्न्स यूज करायचे आहेत आणि थिक कंडक्टर यूज करायचे त्यासाठी. ठीक आहे, नाउ यम इज दी मूव्हिंग कॉइल अटॅच टू दी स्पिंडल. यम आपली मूव्हिंग कॉइल असणार आहे जी आपण स्पिंडलला अटॅच केलेली. ठीक आहे, सो इट इज ऑल्सो एन एअर कोर्ड कॉइल, ती सुद्धा आपली एक एअर कोर्ड कॉइलच असणार आहे विथ मोर नंबर ऑफ टर्न्स. आता या मूव्हिंग कॉइलच्या नंबर ऑफ टर्न्स मोर असायला पाहिजे आणि थिन कंडक्टर न बनवायच्या त्या. ठीक आहे, याच्या फिक्स्ड कॉइलच्या एक्झॅक्टली ऑपोजिट आहे. बघा इथं फ्यू नंबर ऑफ टर्न्स म्हटलं आपण, इथं थिक कंडक्टर न बनवायचे फिक्स्ड कॉइल आणि इथं मोर नंबर ऑफ टर्न्स यूज करायच्यात आणि थिन कंडक्टर न यूज करायच्यात. ठीक आहे, बनवायची आपल्याला मूव्हिंग कॉइल. ठीक आहे, सो टू स्पायरल स्प्रिंग्स आर अटॅच टू द स्पिंडल. इथं सुद्धा आपल्याला दोन स्पायरल स्प्रिंग अटॅच करायच्यात स्पिंडलला, विच प्रोड्युसेस द कंट्रोलिंग टॉर्क. वो क्या करेंगे आपके कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करेंगे एंड एक्ट्स एज अ करंट लीड्स टू द मूविंग कॉइल, और वो आपके मूविंग कॉइल को करंट लीड्स बोल के भी उसको यूज कर सकते हैं. सो हियर एयर फ्रिक्शन और एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम इज यूज टू प्रोड्यूस द डैम्पिंग टॉर्क. यहाँ पे दोनों में से कौन सी भी डैम्पिंग सिस्टम यूज हो सकती है. ठीक है, एयर फ्रिक्शन या फिर एडी करंट डैम्पिंग यूज की होती है वहां के डैम्पिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए. हमने पीएमएमसी टाइप में देखा है, पीएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट में कौन सी डैम्पिंग यूज होती है, कौन सी डैम्पिंग यूज होती है, एडी करंट डैम्पिंग. ठीक है, पीएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट में कौन सी टाइप की डैम्पिंग यूज करते हैं हम, एडी करंट डैम्पिंग. देन आपके मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. पीएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट में आपको आपकी एडी करंट डैम्पिंग यूज होती है और एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट में आपकी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है. वैसे अभी डायनामीटर टाइप के इंस्ट्रूमेंट में दोनों में से कौन सी भी डैम्पिंग यूज करते हैं तो वहां की डैम्पिंग टॉर्क को प्लेस करने के लिए. ठीक है, तो इसका डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. ठीक है, नाउ वहां के डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये देखना है हमें. ठीक है, जैसे हमने वहां पे भी देखा था पीएमएमसी एंड एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन एंड कंट्रोलिंग टॉर्क का इक्वेशन क्या आता था वो देखा था. ठीक है, वैसे यहाँ पे भी देखना है. सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी इंटू आई एम इंटू एल. जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आहे आपला तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असणार आहे तिथल्या बी इंटू आई एम इंटू एल ला. दॅट इज टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आय एल, बी आय एम एल म्हणतो आपण. ठीक आहे, आय एम म्हणजे करंट फ्लोइंग थ्रू दी मूव्हिंग कॉइल घ्यायचं आहे. ठीक आहे, म्हणून हा टी डी टी डी आपका प्रोपोर्शनल रहेगा बी आय एम इंटू एल को. ठीक आहे, सो बी इज प्रोपोर्शनल टू आय एफ, बी यानी मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी आहे, आय एम इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दी मूव्हिंग कॉइल आहे. ठीक आहे,
सो बी किसको प्रोपोर्शनल है आपके, आई एफ को, और आई एफ क्या है आपका, करंट फ्लोइंग थ्रू दी फिक्स्ड कॉइल, आई एफ आपका फिक्स्ड कॉइल में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको आई एफ से डिनोट किया है। बट वी नो दैट आई एफ इज इक्वल टू आई एम एज द फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज, उसकी वजह से आई एफ इज इक्वल टू आई एम इज इक्वल टू आई लिख सकते हैं अपन। तो उसकी वजह से यहाँ पे टी डी किसको प्रोपोर्शनल आएगा, आई स्क्वायर को, ठीक है। टी डी किसको प्रोपोर्शनल आएगा, आई स्क्वायर को, क्योंकि आई एम और ये आई एफ दोनों कैसे हैं आपके, इक्वल है, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल को सीरीज में कनेक्ट किया है, तो वो इक्वल लेना है, यानी वो टोटल करंट रहेगा आपका आई, ठीक है। उसकी वजह से टी डी किसको प्रोपोर्शनल आएगा आपकी, आई स्क्वायर को, क्लियर है। तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का इक्वेशन है डायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के लिए। अभी कंट्रोलिंग टॉर्क का इक्वेशन क्या रहेगा, एज द स्प्रिंग कंट्रोल इज यूज्ड, कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी इज गिवन एज, अगर स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया है, ठीक है, तब कंट्रोलिंग टॉर्क ये आपके थीटा को प्रोपोर्शनल होगा, थीटा इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट, ठीक है। एंड वेन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज रीच, दैट इज टीसी बिकम्स इक्वल टू टी डी, देन द पॉइंटर गिव्स द स्टेडी रेंज, वी नो दैट, सो हेंस वी कैन राइट थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। थीटा किसको प्रोपोर्शनल रहेंगे आपके, आई स्क्वायर को, ठीक है। सो एज द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, द स्केल ऑफ द मीटर इज नॉन यूनिफॉर्म, इसकी भी स्केल कैसी रहेगी आपकी, नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, क्योंकि यहाँ का जो डिफ्लेक्शन है मीटर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके वहां की स्क्वायर ऑफ द करंट को, तो इसकी वजह से मीटर की स्केल कैसी रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म, क्लियर है, समझ में आया। तो ये है डायनोमीटर टाइप का इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसको हमें थर्ड चैप्टर में भी देखना है एक बार फिर से, डायनोमीटर टाइप का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो वो हम तब एक बार फिर से देखने वाले हैं थर्ड चैप्टर में, ठीक है, लेकिन ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ही आता है टाइप, पहला है पीएमएमसी टाइप, दूसरा है एमआई टाइप, थर्ड है डायनामीटर टाइप, एंड फोर्थ है आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टाइप, ठीक है। ऐसे चार टाइप से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्लियर है। तो इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, विल स्टॉप हियर, ओके, थैंक यू।